अस्सलाम वालेकुम। ओतैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के पार्ट 5 में आप सब लोग का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम ये जान देते हैं हम किस तरह तैनवा की मदद से YouTube थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डैशबोर्ड में आ जाइए tanva.com पे लॉगिन करते। यहाँ आने के बाद आप ऊपर सर्च में लिखिए YouTube थंबनेल और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपके सामने जो है बहुत सारी टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते थे अगर आप तो टेम्पलेट पसंद आ रही है तो आप उससे चूज करते एडिट कर सकते हैं। अगर आप तो यहाँ कोई भी नहीं मिल रही टेम्पलेट आपकी मतलब की तो आप जो है आप यहाँ सिंपली ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास ये ब्लैंक पेज सेलेक्ट हो गया और इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 720p यानी कि 1280x720। तो ये जो होता है रेजोल्यूशन ये यूट्यूब पे थंबनेल के लिए परफेक्ट रेजोल्यूशन होता है। तो अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैं किस तरह यूट्यूब पे थंबनेल बनाता हूँ। तो मैं अब आपको ये बताने लगा तो मैं किस तरह बनाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है ये बैकग्राउंड जो है वो वाइट है तो मुझे बैकग्राउंड जो है तो छोड़ चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ थोड़ा ग्रे। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ तो बैकग्राउंड में मैंने तो इमेज लगानी है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं डायरेक्टली अपलोड अगर तो इतनी हुई या मैंने इमेज तो उससे लगा दूँ या नहीं तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ या मैं तो सर्च कर लूँ इमेज वहाँ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। तो अब इमेज लगाने के भी आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप फोटोज़ में जाइए और कोई भी इमेज है उससे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए तो वो जो है पूरी आपके डिज़ाइन में इमेज अप्लाई हो जाएगी। नहीं तो अगर आप एलिमेंट्स में जाते हैं और दृश्य में जाते हैं तो ये देखिए आप तो जो है दृश्य में जो है बहुत सारे जो है फ्रेम मिल जाते हैं इमेज पे। तो देखिए अगर आप चाहते हैं तो आपने जो इमेज लगानी है वो सिर्फ इतनी लगे यानी तो ये हिस्सा जो है यहाँ आप टेस्ट लिख दें और यहाँ आपकी इमेज आ जाए तो आप उस तरीके से यहाँ फ्रेम डाल सकते हैं और फ्रेम में जो है वो फिर तो इसे भी आप इमेज डाल सकते हैं। जैसे तो ये मैंने ये देखिए जैसे तो मैं ये पीछे डाली है तो ये पूरे जो है मेरे डिज़ाइन में आ गई। लेती है मैंने जो है बनाई है ड्रेड तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ मैं सिर्फ डालूँ तो मैं क्या करता हूँ इसे ड्रैग करते सिर्फ यहाँ ले आता हूँ तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिंपली डिलीट पे जाते हैं। तो इस तरह अगर आपने डालनी है तो आप इमेज वाला डाल सकते हैं। अगर आपने 2x2 की ड्रेड डालनी है तो आप यहाँ से 2x2 की भी ड्रेड डाल सकते हैं सिंपली इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो आप इमेज जो है आ जाए। तो अगर आप देखते हैं ना जैसे तो आपने थंबनेल बनाया है बिफोर एंड आफ्टर आपने तो ये चीज़ दी है तो उसमें आप 2x2 की ड्रेड यूज़ कर सकते हैं। एक साइड में आप इमेज लगाइए बिफोर थी और ऊपर लिख दीजिए बिफोर यहाँ टेस्ट में जाते आप लिख दीजिए बिफोर से ड्रैग एंड ड्रॉप करते यहाँ ले और यहाँ अगर आप नीती है आफ्टर तो चीज़ तो मैं यहाँ आफ्टर लिख देता हूँ जैसे थे आफ्टर। तो इस तरीके से जो है अगर आपने बिफोर एंड आफ्टर वाली तो थंबनेल बनाना है तो आप उसके लिए जो है 2x2 के ग्रिड तो यूज़ करिए यह आप तो काफ़ी हेल्प करेगी। उसके बाद आप बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तो मैं जो डिज़ाइन करता हूँ मैं किस तरह डिज़ाइन करता हूँ अपने YouTube चैनल के लिए थंबनेल वीडियोस के लिए। तो ये मैं जो करता हूँ सबसे पहले मेरे पास से ब्लैंक पेज होता है तो उसके बाद मैं जो करता हूँ मुझे यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ ग्राफिक डालता हूँ राइट साइड पे जो है मैं यहाँ टेस्ट लिखता हूँ। तो मिसाल तौर पर मैं यहाँ ये डाल देता हूँ ये टेस्ट चाहे तो मैं बर्दर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ बर्दर का जो है ग्राफिक डाल देता हूँ या फिर तो इमेज ऐड करनी है जैसे तो लोगो है तो वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो देखिए तुझ आओ तो मैं चीज़ें बताता चलो। अब आप तो लद रहा होता तो मैंने इसे बिल्कुल ही यहाँ साइड पे क्यों नहीं किया तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ फासला क्यों छोड़ा है तो देखिए उसका रीज़न ये है कि जब भी आप यूट्यूब में होते हैं और अदर आपकी वीडियो जो है सुजेक्शन सेक्शन में आ रही है तो आओ तो पता होएगा जैसे ही आप वहाँ अपना माउस तो लेते जाते हैं तो साइड में जो है दो ऑप्शन आ जाते हैं जो तो इतना हिस्सा जो है आपते थंबनेल तक तवर तार देते हैं। तो इसलिए आप ये साइड जो है थोड़ी सी छोड़े यहाँ से लेफ्ट साइड से थोड़ी सी ज़्यादा छोड़े
तांते जो है सेव एज लेटर और लाए तरह अदर तो ऑप्शन आए तो वो तवर ना हो आपके थंबनेल में। तो उसी तरह सिंपली यहाँ नीचे भी अदर आप मोबाइल फोन में देते हैं तो अदर आपकी वीडियो का थंबनेल शो हो रहा है तो उस बॉटम राइट लेफ्ट साइड में जो है आपका आ जाता है टाइम। तो उसलिए वो भी जो है आपके डिज़ाइन का तो हिस्सा तवर तल लेता है, तो वहाँ भी अदर आप कुछ लिखना चाहते हो तो वहाँ ना लिखें। तो देखिए जैसे जो मैंने ये तार दिया तो चीज़ें मैंने आपको लास्ट में बतानी थी, और उसके बाद टेस्ट में थोड़ा सा ऐड तार दे तो जैसे बस बस बढ़ दो रेसिपी। इससे मैं यहाँ छोटा बड़ा तार देता हूँ, ये दे सकते आप इस तरीके से जो है। ये मैंने अब अपने लिए यूट्यूब के लिए जो है वो डिज़ाइन डाल दिया। अब आप तो मैं तोड़ डिज़ाइन भी तरते दिखा देता हूँ। मिसाल तो पे तो ये आदमी है जैसे थे आप तो पता है यूट्यूब जो है वो बैन हो रही है, तो किसी ने यूट्यूब बैन पे जो है वीडियो बनाई है और उसे समझ नहीं आना थे वो थंबनेल इस तरह बनाए, तो वो इस तरह तरस थे वो एलिमेंट में जाए और यहाँ से वो यूट्यूब का आइकन जो है वो ले ले। जैसे थे ये वाला जो है हम ये वाला चूज कर लेते हैं, हम इसे यहाँ सेंटर में रख देते हैं, ये आपकी मर्जी है। शायद तो पे हमने यहाँ से सेंटर में रख दिया होते। तो उसके बाद अब हम टेस्ट ऐड कर देते हैं यूट्यूब बैन इन पाकिस्तान होते। तो इस टेस्ट को तो जो है मैं थोड़ा सा बड़ा तार देता हूँ, लेट तार तो मैं ज़रा यहाँ बोल डाल देता हूँ होते। तो ये इस तरीके से मैं जो है लगा लिया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ जो है तरह चेंज करना या पीछे कुछ एलिमेंट लगाना है, जैसे कि मैं ये रेड तरह था जो है तो ये ले लिया। इसे मैंने यहाँ ये बड़ा तार दिया, यहाँ इतना तार दिया, तो इस तरह जो है मैं ब्लैक तार देता तो हूँ, उस तरह जो है मैं यहाँ से येलो तार देता हूँ। तो इस तरह जो है इस तरह भी आप जो है देखते हुए काफ़ी यूट्यूबर जो है उनते थंबनेल जो है इसी तरह लिखे होते हैं, तो टेस्ट बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक होता है और टेस्ट का कलर जो होता है वो येलो होता है। तो आप इस तरह जो है यहाँ ये इस तरह की चीज़ जो है ऐड कर सकते हैं, ऐसे नीचे ले आते हैं थोड़ा यूट्यूब बैन इन पाकिस्तान, इस तरह आप साइड में भी कुछ लिखना है तो लिख सकते जैसे थे फुल इंफॉर्मेशन। तरह यहाँ साइड में ले सकते, इसे मैं थोड़ा बोल्ड डाल देता हूँ, इस तरह फुल इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ मैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता सकूँ, आप एलिमेंट में जाइए सर्च करिए एरो, तो ये देखिए यहाँ तो बहुत सारे एरो मिल जाते, लेकिन मैं ज़्यादातर याद रहा तो आपने मेरे वीडियो के थंबनेल में देखा होगा इस तरह से आप तो मिलता है एरो, तो जो पॉइंट आ रहा होता है किसी हर चीज़ के ऊपर। जैसे थे मैंने इसे यहाँ से थोड़ा सा मैं ये रोटेट तार किया, थोड़ा सा इसमें बड़ा तार किया, तो ये देखिए यहाँ से मैंने जो है ये एरो निकाला और ये जो है यहाँ जा रहा है एरो। तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा तार देता हूँ टेस्ट को होते। तो ये देखिए मैंने इस तरह तार किया, ये मैं टेस्ट ऊपर लिख देता हूँ। बेशक ये डिपेंड करते हैं आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आप कितना क्रिएटिव सोचते हैं और आप कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये देखिए हम लगता है तो हमने काफ़ी प्रोफेशनल जो है थंबनेल बना लिया। तो उधर तो भी थंबनेल तो देखेगा तो उसका सबसे पहला जो ज़्यादा रिएक्शन वो इस चीज़ पे जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ एरो दिया हुआ है तो उसका एरो जो यहाँ जा रहा है। तो उधर हम यूट्यूब बैन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ जो है क्रॉस का साइन भी डाल सकते हैं, जैसे थे ये साइन यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरह का साइन जो है हम यहाँ डाल सकते हैं। अगर हमने इसे थोड़ा चेंज करना है तो हम यहाँ क्रॉस वाला भी तर सकते हैं इसे, नहीं तो हम यहाँ अब आप ये ऊपर है तो आप क्या तर सकते हैं, आप तो यहाँ काफ़ी कुछ मिल जाता है, यानी तो जितना भी आपने सोचते हैं तो आप ये तर सकते वो तर सकते, आप तैनवा फ्री की मदद से काफ़ी कुछ तर सकते हैं। आपने मेरे जितने भी डिज़ाइन देखे हैं
वो सारे सारे मैंने जो है स्टैनवर्ड डॉट कॉम पर बनाए हैं। एक भी डिज़ाइन जो है मेरे यूट्यूब पे थम वीडियो पे थम ने एक भी जो है वो मैंने ना तो फोटो शॉप में ना इलस्ट्रेशन में ओला किसी और शॉप में बनाए। सारे के सारे मेरे वीडियो पे जो थम नेल है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैनवर्ड डॉट कॉम पर बने हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो है आप जो है डिज़ाइन क्रिएट कर सकते। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही करिए। तो भी आपसे स्क्रीन के ऊपर कुछ अमेजिंग वीडियो शो हो रही होगी, उन वीडियो तो भी लाजमी देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।